कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया, तुम बताओ। तुमने ये वाली वीडियो देखी जो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही? मुझे वो वाली वीडियो बनानी है। कौन सी वाली? ये वाली। अच्छा ये वाली, ये तो इंस्टाग्राम में काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। चल तेरे को बताता हूँ कैसे एडिट करना है। तो गाइस, अगर आप लोग भी इस तरह का एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहो। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है इस तरह का वीडियो, आपने ज़रूर से इंस्टाग्राम में देखा होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक वॉच करो बिना स्किप किए। आप लोग को एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि इस तरह का वीडियो कैसे बनाते हैं। और हाँ गाइस, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके का ट्रेंडिंग रील्स आने वाले हैं गाइस। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं इंस्टाग्राम से इस ट्रेंडिंग का ऑडियो का जो पेज है उसको दिखाना चाहता हूँ। ये देख सकते हो, ये वाला ऑडियो का पेज है, ट्रेंडिंग लिखा हुआ दिख रहा है। और नीचे आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हो रील्स देखने को मिल जाएगा। तो 2.2 मिलियन व्यू है इसमें, देख सकते हो। जो लाइक्स है वो 2.5 लाख से आसपास है, 2.5 लाख के। और यहाँ पर अगले रील में जाएंगे, यहाँ पर 1.3 मिलियन व्यू है, 1.3 मिलियन। अब नीचे आप फिर से स्क्रॉल करोगे तो इस तरीके देख सकते हो, यहाँ पर है 9.5 लाख, ठीक है। लाइक देख सकते हो, 1 लाख लाइक है, ये देख सकते हो। तो इस तरीके का एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है गाइस। तो अगर आप भी बनाओगे तो आपका वीडियो वायरल हो सकता है। तो चलिए अब एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, आपको इजी तरीके से बताने वाला हूँ, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहो। तो सिंपली गाइस, यहाँ से हम VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। इसको आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वहाँ पर फ्री अवेलेबल है। अब गाइस जैसे ही ओपन करोगे तो इस तरह के इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब नीचे आपको प्लस वाला आइकॉन देखने मिल रहा होगा, देख सकते हो ब्लू रंग के सर्कल में है, इसमें हमें क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है, नीले रंग के डब्बे में है, आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपका गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो यहाँ से वीडियो वाले सेक्शन में ओपन हो जाएगा ये, तो हमें फोटो वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो लेना है, तो ऊपर फोटो वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपका फोटो वाला गैलरी है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला जिसके ऊपर में हम स्काई में हम वीडियो को लगाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो, थोड़ा ऐसा फ़ोटो आप भी क्लिक करवा लेना, ठीक है, ऊपर में जो स्काई थोड़ा दिखे। अब लास्ट में एक वाटरमार्क वाला बैकग्राउंड रहता है ब्लैक कलर का, इसको हमें डिलीट कर देना है। तो इसमें हम जस्ट क्लिक करेंगे और डिलीट वाला ऑप्शन आएगा, इसमें हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा फोटो है, फोटो का हमारा जो साइज़ है इसको हम रील्स वाले साइज़ में करेंगे, ये रील्स के साइज़ में नहीं है गाइस। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर ओरिजिनल वाले ऑप्शन में हमें क्लिक करना है, ओरिजिनल पे लिखा क्लिक करना है। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट में है म्यूज़िक वाला आइकॉन 9:16, ये वाला साइज़ को हमें सेलेक्ट करना है, ये रील्स का साइज़ है, इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इतना करना है। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो फोटो का ड्यूरेशन यहाँ पर दिख रहा है 3 सेकेंड है, तो हमें बनाना है 16-17 सेकेंड का। तो हमें क्या करना है, फोटो पे हमें नीचे क्लिक करना है, ये जो टाइमलाइन दिख रहा है इसमें हमें क्लिक करना है, और पीले रंग का जो एरो है ना इसको खिसकाकर यहाँ से 17 सेकंड तक रख लेना है, ठीक है, 16-17 सेकंड तक रख लेना। तो यहाँ से मैं इसको 16 रख लेता हूँ, ठीक है, इतना रख लेता हूँ। अब गाइस हमें क्या करना है, यहाँ से जो वीडियो है कान्हा जी का और राधा जी का इसको हमें ऐड कर लेना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से स्टिकर वाले ऑप्शन में जाना है, ये थर्ड लाइन में देख सकते हो टाइमलाइन में दिख रहा है टैब टू ऐड स्टिकर, इसमें हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएगा, वीडियो फोटो वाला और एक स्टिकर वाला। तो हमें वीडियो फोटो वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है, इसमें क्लिक करना है, ये वाले में, इसमें हम क्लिक करेंगे। और यहाँ से हमें एक वीडियो सेलेक्ट करना है जो कृष्णा जी का और राधा जी का है, तो हमें इसको सेलेक्ट करना है। इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब गाइस इतना हो जाने के बाद इसको हमें स्टार्टिंग में रखना है, ठीक है, ऐसे खिसका लेना, स्टार्टिंग में रख लेना, और नीचे से स्लाइड करना है, स्लाइड करना है, देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है। इसको हमें ऊपर स्काई में लगाना है, तो नीचे ऑप्शन है फिल, सॉरी गाइस फिट है, फिट पे हमें क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको स्लाइड करके ऊपर की ओर ले जाना है, ठीक है, यहाँ पर। अब गाइस हमें क्या करना है, ये देख सकते हो ये नीचे जो इसका लकीर दिख रहा है इसको हमें मैच करना है, ठीक है गाइस। तो हमें क्या करना है, कान्हा जी वाले वीडियो में क्लिक करना है नीचे टाइमलाइन से, इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, नीचे देख सकते हो मास्क वाला ऑप्शन है, मास्क वाले ऑप्शन में हमें क्लिक कर देना है। और यहाँ पर फर्स्ट में है लीनियर, ये देख सकते हो बहुत सारा मास्किंग वाला ऑप्शन है, तो लीनियर पे हमें डबल क्लिक करना है। और जो ऊपर में एरो आएगा ना ये वाला देख सकते हो, ये वाला इसको खिसका के नीचे लेना है हल्का सा, और नीचे वाले एरो को खिसका कर नीचे कर देना है, ठीक है, इसको इस तरीके से करना है, और इसको हल्का सा ऊपर कर देना है, ठीक है, इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है, और नीचे से आपको राइट पे क्लिक करके डन कर देना है, ठीक है, इतना हो चुका है, ठीक है गाइस, देख सकते हो। अब आप चाहो तो आप इसको ना इस तरीके से दोनों उंगली मदद से जूम करके बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, फिर बाहर क्लिक कर देना। तो इतना करना है गाइस, ठीक है।
सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक चैनल जिसका नाम है बीइंग विद निशी। ये बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती है। अगर आप लोग कोई ब्लॉग देखना पसंद है या ब्लॉग करना पसंद है तो उनके चैनल पर एक बार जरूर विजिट करना। तो मैंने उनका यूट्यूब का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसमें क्लिक करके उनके चैनल को देख सकते हो गाइस। तो उन पर जरूर जाकर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, सपोर्ट करो उनको जाकर। तो चलिए अब अपने एडिटिंग की ओर बढ़ते हैं। और गाइज अगर आप चाहो तो यहाँ पर राधे राधे एक टेक्स्ट लिख सकते हो। तो टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेकंड नंबर पे देख सकते हो टैब टू ऐड सबटाइटल है, इसमें हमें क्लिक करना है। ये फिर से लिखा है टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से ऐड सब हेडिंग, इसमें हम जस्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा कीबोर्ड आ जाएगा। तो हमें यहाँ से हार्ट ले लेना है और यहाँ से लिख लेना है राधे राधे, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। फिर हमें राइट पे क्लिक कर लेना है और नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा फॉन्ट वाला, आप चाहो तो इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। फिर राइट पे क्लिक करके तो दोनों उंगली की मदद से छोटा करके इस तरीके से स्लाइड करना है आपको, ठीक। और चाहो तो आप यहाँ पर रख सकते हो इसको और छोटा कर लेना, और चाहो तो इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर में जाकर यहाँ से ब्लैक कर सकते हो, रेड कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। फिर डन पे क्लिक कर लेना। तो हम रखेंगे स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में इस तरीके से रखेंगे। तो गाइस देख सकते हो इस तरीके से आएगा, ये देख सकते हो इस तरीके से आएगा। अगर आप चाहो तो टेक्स्ट को पूरा वीडियो में भी रख सकते हो। और गाइस अगर आपके वीडियो के लास्ट में ये फुल में नहीं रहे तो इसको हम क्लिक करेंगे और इसको फुल वीडियो में रख लेंगे, मतलब फ़ोटो में रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप चाहो तो अपने फ़ोटो में फ़िल्टर भी लगा सकते हो। फ़िल्टर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोटो पर हम क्लिक करेंगे और नीचे से स्लाइड करेंगे, स्लाइड करने के बाद फ़िल्टर वाला ऑप्शन आ जाएगा नीचे, देख सकते हो। इसमें हम क्लिक करेंगे और बहुत सारा फ़िल्टर है गाइस, देख सकते हो। आपको जो अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर लेना, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं यहाँ से इसको A1 रख लेता हूँ। A1 रखने के बाद यहाँ से राइट पे क्लिक कर लेंगे। तो इतना कर लेने के बाद हमारा यहाँ पर एडिटिंग कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कैसा बना हुआ है। और तुम राधे, तुम उस अनन्य प्रेम की शिरोमणि हो। देख सकते हो गाइस हमारा वीडियो एकदम गजब तरीके से बन चुका है। अब इसको सेव कर लेना है एकदम HD क्वालिटी में। तो ऊपर एरो पर क्लिक कर लेना है, ये ब्लू रंग का एरो है, इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको 1080p रखेंगे गाइस, ठीक है। और इसको आपको 60fps रखना है और बिट रेट आपको 26 रख लेना है। इसका जो स्लाइडर है इसको स्लाइड करके आपको 20-26 रख लेना है, ठीक है, इतना करना है। और यहाँ पर MB आ जाएगा, 43 MB का है। अब नीचे आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे ये आपके गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको इंस्टाग्राम में अपलोड कर सकते हो, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा गाइस, ठीक है। आई होप गाइस ये वाला एडिटिंग आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।